हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोलॉजी प्लैनेट। फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह प्रोफेशनल लोगो क्रिएट करना चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए, तो आज का वीडियो आपके लिए ही। बस आप लोगों को एक काम करना है, इस वीडियो को पहले से लास्ट तक पूरा देखना है। फ्रेंड्स, मैं हूं नसीब, हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी प्लैनेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, वो सॉफ्टवेयर आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो आपको सर्च करना है पिक्सेल लैब। पिक्सेल लैब सर्च करने के बाद ये वाला जो सॉफ्टवेयर है, इसे आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है। और जिस किसी ने भी इंस्टॉल कर लिया है, उसे उस ऐप को अपडेट कर लेना है। फिर इसे ओपन करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर जो कॉर्नर पे जो 3 डॉट दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ इमेज साइज लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर कस्टम पे क्लिक करना है। फिर आप लोगों को प्रोफाइल पिक्चर का स्क्वायर का जो ऑप्शन है, इसे दबा देना है और ओके कर देना है। फिर आप लोगों को ये टेक्स्ट जो देख रहा है, न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर हम अपना चैनल का नेम लिखेंगे। नेम नहीं, नेम का जो पहला वर्ड है, यानी कि मेरा चैनल का नेम है टेक्नोलॉजी प्लैनेट। यहाँ से हम ए वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से एडिट जो है वहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर हमारा चैनल का जो पहला वर्ड है टेक्नोलॉजी का टी, तो यहाँ पर टी दे देंगे और डन करके ओके कर देंगे। हम यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो एक ऑप्शन मिल जाएगा फॉन्ट का, तो इसे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बहुत सारा फॉन्ट हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें इस तरह के फॉन्ट नहीं यूज़ करना है। हमें अपने में से पसंदीदा कोई भी फॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें माई फॉन्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आप लोग क्रोम ब्राउज़र से कोई भी फ्री फॉन्ट डाउनलोड करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मैं बहुत सारा फॉन्ट ऐड कर चुका हूँ। तो आप लोगों को एक फॉन्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओके बटन पे आप लोगों को क्लिक करके ओके कर देना है। तो इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद हमें यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है टेक्सचर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर गैलरी का जो आइकन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा एक बैकग्राउंड चाहिए, किसी भी कलर का आपको पसंद है। जैसे कि ये ब्लू वाला मैं इस्तेमाल करूँगा, तो यहाँ से ब्लू वाला को टिक कर दूँगा। फिर यहाँ से फिर से टिक कर दूँगा। तो ये वाला फॉन्ट मेरा कलर भी चेंज हो गया है और स्टाइल भी आप लोग देख सकते हैं। अब हमें प्लैनेट का पी चाहिए, तो पी लेने के लिए हमें यहाँ स्क्रॉल करके ऊपर जाना है। और आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा कॉपी का, हमें कॉपी क्लिक करना है। कॉपी क्लिक करने के बाद सेम एक कॉपी हो जाएगा। तो हमें यहाँ से फिर से एडिट का जो बटन है, उसे क्लिक करके हम इस टी को पी में बदल देंगे। हम इसे डिलीट करके पी लिखेंगे और फिर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये टी और पी दोनों एक साथ हो गया। तो मैं पी का कलर बैकग्राउंड को चेंज करना चाहता हूँ, तो फिर से मुझे ये टेक्सचर वाला ऑप्शन जो है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से गैलरी वाला आइकन पे क्लिक करना है और मुझे कुछ दूसरा बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना है। ये येलो वाला बैकग्राउंड को मैं सेलेक्ट करता हूँ। आप कोई भी पसंदीदा बैकग्राउंड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ से पी का बैकग्राउंड भी मैंने चेंज कर लिया। तो आप क्या करना है, यहाँ पर जो प्लस का बटन आप लोगों को दिख रहा है, इस प्लस का बटन को हमें क्लिक करना है। फिर यहाँ पर फ्रॉम गैलरी वाला ऑप्शन को हमें क्लिक करना है। यहाँ पर एक रिंग आप लोगों को दिख जाएगा। ये रिंग आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र से PNG वाला डाउनलोड करके रखा है। तो ये रिंग को मैं सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ से एडजस्ट करना है रिंग को। ठीक से एडजस्ट करने के बाद आप लोगों को ये वाला बटन पे क्लिक करना है। इस बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को रिंग के साइड पे लॉक वाला जो ऑप्शन है, उसे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने से क्या होगा, ये रिंग अब नहीं हिलेगा, कोई भी वर्ड्स हिलेगा लेकिन लॉक वाला जो है वो नहीं हिलेगा। फिर हमें यहाँ पर प्लस का जो बटन है, उसे क्लिक करना है और फ्रॉम गैलरी से हमें कुछ लाना है। यहाँ से मैं ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करूँगा और उसे अपने लोगो पे लगाऊँगा। तो मैं इसे सेलेक्ट कर दिया और इसे मुझे पूरा कवर करना है। तो मैं इसे बड़ा कर रहा हूँ पूरा कवर करने के लिए। तो पूरा कवर करने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है, ठीक से एडजस्ट करने के बाद हमें ये वाला बटन पे फिर से क्लिक करना है। क्लिक करेंगे और इस डॉट पे क्लिक करके हमें इस बैकग्राउंड को, ब्लैक बैकग्राउंड को सबसे नीचे ले जाना है। तो आप लोग देख सकते हैं अब कैसा लग रहा है। हमें ब्लैक वाला बैकग्राउंड को लॉक कर देना है ताकि ये ना हिल पाए। यहाँ से हम लॉक कर देंगे। फिर हमें इस टी और पी को रिंग के अंदर सही से एडजस्ट कर देना है। जितना बड़ा करना है यानी छोटा करना है आप लोगों को करके ये सुंदर से एडजस्ट कर देना है। सही से एडजस्ट करने के बाद आप लोगों को टी और पी को भी लॉक कर देना है ताकि ये ना हिल पाए। अगर हिल गया तो मुश्किल हो जाएगा। तो लॉक करने के बाद
फिर यहाँ पर टेक्स्ट का जो ऑप्शन है, इस टेक्स्ट वाला ऑप्शन को आप लोगों को क्लिक करना है। फिर आप लोगों को एडिट पे क्लिक करना है और आप लोगों को अपना चैनल का नेम लिखना है, फुल नेम नहीं सिर्फ हाफ नेम ही लिखना है, जैसे कि टेक्नोलॉजी। तो इसे लिखने के बाद ओके कर देना है। फिर मैं इसका भी फॉन्ट को चेंज कर दूंगा। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए हमें राइट साइड पे स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाना है, फॉन्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर हमें माय फॉन्ट से कोई भी फॉन्ट जो आपको पसंद लगे उसे आप लोगों को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके आप लोगों को ओके कर देना है। तो मैं यहाँ फैकोन वाला फॉन्ट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से ओके कर दूँगा। फिर हमें यहाँ से एडजस्ट करना है। फिर मैं यहाँ पर टेक्सचर का वो जो ऑप्शन है उसे क्लिक करूँगा और ये ब्लू वाला जो बैकग्राउंड मैंने यूज़ किया था टी से, तो उसे मैं सेलेक्ट करूँगा। ये ब्लू वाला बैकग्राउंड मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से टिक दे देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये कलर चेंज हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसी तरह एक और वर्ड को हमें कॉपी करना है। तो मैं कॉपी पे क्लिक करूँगा, तो इस टेक्नोलॉजी मिल गया है। तो मुझे चाहिए टेक्नोलॉजी प्लैनेट, इसे मैं एडिट करके प्लैनेट बना दूंगा। फिर मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। तो ओके करने के बाद इस प्लैनेट का बैकग्राउंड यानी कि कलर मैं येलो करना चाहता हूँ, तो हमें फिर से वो टेक्सचर वाला ऑप्शन पे जाना है और उसे क्लिक करना है। फिर गैलरी पे जाना है। गैलरी पे जाने के बाद ये येलो वाला का जो बैकग्राउंड है उसे हम सेलेक्ट करेंगे, तो ये पहला प्लैनेट का भी कलर चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सुंदर बनाने के लिए इसे हम स्ट्रोक करेंगे। तो हम थोड़ा नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके और आप लोगों को एक और ऑप्शन मिल जाएगा यानी कि स्ट्रोक का। इस स्ट्रोक वाला ऑप्शन को आप लोगों को क्लिक करना है, इनेबल करना है। फिर आप लोगों को यहाँ से कलर चूज करना है, वाइट कलर यानी सफ़ेद। सफ़ेद को चूज करने के बाद यहाँ से आप लोगों का जो स्ट्रोक विथ है उसे 5 बना देना है। तो 5 बनाने के बाद यहाँ पर टिक मार पे क्लिक करेंगे। फिर से यह टेक्नोलॉजी, इसे भी हम स्ट्रोक करेंगे, इसे भी स्ट्रोक बटन पे क्लिक करेंगे और इनेबल करेंगे। इसे भी वाइट कलर भी बदलेंगे और यहाँ से स्ट्रोक विथ 5 करके यहाँ से टिक मार्क करके ओके कर देंगे। टेक्नोलॉजी प्लैनेट को ठीक से एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ से लॉक कर देंगे ताकि यह ना हिल पाए। टी और पी को हम यहाँ से अनलॉक कर देंगे स्ट्रोक करने के लिए। हम थोड़ा नीचे जाएंगे और टी और पी को अनलॉक कर देंगे और फिर इन दोनों को भी स्ट्रोक कर देंगे। इसके बाद हमारा प्रोफेशनल लोगो तैयार है। तो इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसे डाउनलोड करने के लिए ये वाला बटन जो है इसे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद या सेव एज इमेज इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेव टू गैलरी पे क्लिक करना है और ये सेव हो गया है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे डिलीट करके नया वाला प्रोजेक्ट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो प्लस का बटन है वहाँ पर क्लिक करेंगे, रोम गैलरी पे क्लिक करेंगे। फिर हमारा जो लोगो है वो हम फिर से लाएंगे। लाने के बाद यहाँ पर ये जो सर्कल का ऑप्शन है इस सर्कल पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ठीक से हमें इसे एडजस्ट करना है, जैसे कि हमारा लोगो है यहाँ से एडजस्ट करके यहाँ पर टिक मार्क हमें कर देना है। टिक मार्क करने के बाद हमें यहाँ फिर से इसे बड़ा करना है। फिर हमें इस वाला ऑप्शन को क्लिक करना है। इस वाला ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे तो हमारा लोगो आप फुल 100% तैयार हो चुका है। अब हमें पहले की तरह इसे सेव कर लेना है गैलरी पे। सेव करने के बाद आप इस लोगो को आप कभी भी कहीं पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक आपने लाइक नहीं किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि ये एक वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और हमें खुशी होते हैं आपकी हेल्प करते हुए।